आइए। अब आपका मुंबई आगमन हो तो लाइट ना गिरा और क्या कार्यालय सही है यार आपके आशीर्वाद के साथ। देखिए ये आते ही हमको पिता करने का मौका दे दिया संजय। राकेश सर बहुत बहुत स्वागत आपका मुंबई में। सबसे पहले तो मीडिया आज आपसे मिलने आई हुई है, बहुत सारी बातें यहाँ होगी। मुंबई में आप आए हैं, क्या खास वजह रही है, क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करना है? सबसे पहले तो मुंबई में आने के बाद सर्वप्रथम जितने भी हमारे मीडिया सहकर्मी सभी दोस्त हैं और मुझे लगता है कि इन सभी के आशीर्वाद से ही मुंबई में पिछला 2013 में मैं पहली बार आया था, उसके बाद 2022 चल रहा था। इतने दिनों के सफ़र में हमेशा मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला, खास करके हमारे इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं। और थोड़ा सा एल्बम और सिनेमा का जो गतिविधि हुआ बीच में उसके कारण कुछ लाइफ में चेंजिंग भी हुई, शादी विवाह हुआ, तो उस मैटर के थ्रू अब थोड़ा उधर भी रहना पड़ता है इधर भी रहना पड़ता है। लेकिन मुंबई एक कहा जाता है कि मुंबई है और हम लोग के फील्ड के लिए सबसे बड़ी जगह है और एक सीधा लाइन है कि मुंबई मेरी जान हम लोग बोलते हैं। तो कोशिश रहता है कि मुंबई जब हम चले तो कुछ नया सोच के चले, नया करने के लिए चले, तो इसलिए फिर इस बार मुंबई में आए हैं कुछ प्लानिंग के साथ ही। चलिए ठीक है। ये सवाल है कि आजकल वैसे तो बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देते रहते हैं लेकिन आपके इंटरव्यूज बड़े लेवल पर वायरल हो जाते हैं, हाल ही में एक वायरल हो गया था, तो वाकई में आरोप भी ये लगा कि भाई एक बनावटी है या फिर आप रियल बताएं कि सच में आप गुस्सा हो गए थे, क्योंकि राकेश मिश्रा जी को गुस्सा होते जल्दी देखा नहीं जाता? नहीं, बात ये था ना कि मेरे बारे में जितना सब लोग जानते हैं और वो बनावटी जानते हैं वो मुझे नहीं पता है, जो रियल जानता है मुझे, मैं बहुत क्लियर कट रहता हूँ लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, और मैं सही को सही और गलत को गलत बोल देने में मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो वो ऐसा कुछ था नहीं, वो बस ये था कि शायद हम उसी टाइम जस्ट ऑफिस पहुंचे ही थे और कुछ वर्किंग में थे, तो मैंने और दूसरा चीज़ क्या है ना कि एक तरीका होता है हर चीज़ों का, तो मुझे अंदाजा नहीं था क्योंकि उनका जो तरीका है जैसे भी है, तो मेरा जो एक्टिविटी था वो पर्सनली नहीं था न प्रोफेशनली था, वो एक मूड था। उस टाइम हम जस्ट कहीं की यात्रा के लिए शायद निकल रहे थे या कुछ रेडी थे और उस टाइम एक माहौल चल रहा था, शायद कुछ उस टाइम किसी एक राइटर की तबीयत वबीयत बहुत खराब थी, वो भर्ती थे और इसी टाइप का मुद्दा चल रहा था और इस मुद्दे से ना साइड से हम लोग सुनते सुनते एकदम कचकचा गया था मिजाज, तो और हमको अचानक से जब सिस्टम हुआ तो ठीक है, जो सामने से हुआ वो एक्टिविटी बट एक नेचुरल था, उस पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी ना ही कोई मतलब था। और बाद में भी उनसे मैंने मिला तो मेरा यही था कि कोई किसी भी चीज़ को कहने और सुनने का एक तरीका होता है और उसको शायद रखना चाहिए, बस इतना ही बात था और कुछ था नहीं, बट ठीक है चलो जैसे हुआ। क्या वजह क्या फिल्मों से दूर है? फिल्मों से वजह का जो वजह है दूरी का वो मेरा पर्सनल है, मैंने डिसाइड किया और मैंने डिसाइड किया तो मेरा डिसीजन अभी तक तो मुझे सही ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको अनुमान लगाने का तो होना चाहिए अंदाजा कि हम अभी कहाँ चल रहे हैं किस तरह से हैं। मैंने जब लगातार 2013 से लेकर 2019-20 तक मैंने सिनेमा किया, उसमें जैसे मेरी एंट्री जिस फिल्म से थी वाकई वो फिल्म थी प्रेम दीवानी, उसके बाद लैला छैला भी मुझे अच्छा लगा, प्यार किया तो डरना क्या समथिंग जो भी मैंने फिल्में की, बाद में करते करते जब कोविड के टाइम में मेरा एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ ए राजा तनी जाई ना बहरिया, तो मैं जब आकलन किया उस गाने के हिट होने के बाद तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर सिनेमा कर रहा हूँ तो मुझे सिनेमा करना है या मुझे रियल में सिनेमा करना है, एक सिनेमा करना यानी कि एक गिनती का डायरी पे लिखना कि हाँ मैंने इतना फिल्म कर लिया इतना फिल्म कर लिया, मैं पर डे बिजी हूँ। तो सीधा सिंपल सा बात है संजय जी कि मुझे लगा ना कि अभी की जो फिल्में हैं या अगर मैं इन फिल्मों के लिए होड़ कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मेरे करियर के लिए इसमें दोनों नहीं है, सीधा सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके करियर में या तो आपको करियर बनाना है या तो पैसा कमाना है, दो ही चीजों की एक्टिव होती है किसी को भी अपना वर्किंग करना है तो। बट जिस हिसाब से इंडस्ट्री का सिचुएशन कोविड के टाइम में था और चीजें थे तो मुझे लगा कि मैं अगर
गिनती के लिए रेगुलर वर्क करके, और मैं बोल भी रहा हूँ कि ये फिल्म वो फिल्म वो फिल्म, तो वो कॉपी पे 50 फिल्म लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर राकेश मिश्रा करना ही है तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट दीजिए और एक तैयारी कीजिए और इंतजार कीजिए उस प्रोजेक्ट का, जिसको लाने के बाद आपको लोग बोले कि हाँ भाई प्रोजेक्ट किया है बंदा, बंदा फिल्म किया है। वो जितना आप इधर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा जिंदगी है, सांस है, सिनेमा हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सिनेमा का मतलब है कि सिनेमा होना चाहिए, सिनेमा का मतलब कुछ भी नहीं है। और ये 5-6 साल मैंने किया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो मैं कर रहा हूं तो मुझे शायद थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, और मैंने ब्रेक दिया, और ब्रेक देने के बाद मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मैं एक जगह पहले फोकस किया एल्बम को, और एल्बम को पूर्णतः फोकस किया, और सिनेमा के लिए उस दिन से अभी तक मैं दो दो स्टोरी ऐसा लिखा भी जा रहा है, अंदरूनी सब तैयारी चल रही है। तो मैंने यही डिसाइड किया कि अब वो नहीं करना है कि रेगुलर, क्या तो हम रेगुलर शूटिंग ही कर रहे हैं, सिनेमा ही कर रहे हैं, बट पता ही नहीं चल रहा है वो कब आके कब चले गए, क्या हुआ उससे, मतलब सीधा सिंपल सा बात, मतलब अच्छे अगर स्क्रिप्ट मिलेगा तो किसी फिल्म में करेंगे। हाँ करेंगे, मतलब कैरियर, या तो कैरियर, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैरियर ही, कि हम जिस चीज को करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राकेश मिश्रा किसी से भोजपुरी इंडस्ट्री में डरते हैं कि फिल्म नहीं कर रहे हैं? अब ये देखिए, ये जो बात है डरने का, तो मैं मतलब ये जो डर शब्द है ना, वो मैं शायद जब 11-12 साल की उम्र में आया था संगीत में, तब से लेके आज तक डर ही शब्द तो हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम बेबाक बोलना पसंद करते हैं, क्लियर बोलना पसंद करते हैं, और हमें जो करना होता है, ये भी बात है कि मेरे अंदर वो भी कॉन्फिडेंस है कि मैं डिसाइडिंग हूं, और मैं डिसाइड करता हूं तो डिसाइड पे रहता हूं, मुझे वेट करना मजा आता है। मैंने अगर डिसाइड किया तो इसमें किसी का दिल नहीं था, ना परिवार का, ना किसी का दबाव नहीं था, मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे फिल्म करना है, वो भले साल में एक कर, मुझे वो लिस्ट नहीं बनाना है, और आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ये जो आप लिस्ट बनाने की बातें कर रहे हैं, ये क्या हम ये समझे कि आप किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं, दूसरे एक्टर को इशारा कर रहे हैं? मैं देखिए, या आपको लगता है कि जो फिल्में बन रही हैं वो वाकई में देखने लायक नहीं? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हर आदमी का अपना डिसाइड करना अपनी लाइफ है। इसका मतलब मेरे बात को अगर आप मीडिया के थ्रू लाएंगे और आप बोलेंगे कि हम तो हम किसी पे टारगेट करने वाले पहले तो कोई होते ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने गुण दिया है उसके अंदर, अगर वो अपने हिसाब से काम करता है तो हर व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो करता है, उसके डिसाइड करने वाले हम नहीं है, बट हम अपने डिसाइड करने वाले हैं। अगर क्या किसी हिंदी सिनेमा में कोई एक्टर रेस्ट ले लिया 2 साल, तो क्या इसका मतलब है कि वो दूसरे पे क्रिटिसाइज करेगा? नथिंग, ये हमारी तैयारी है। हो सकता है कि आपको नहीं पता है, हम कुछ अपना तैयारी कर रहे हैं, हमारा कुछ प्लान है, विजन है आगे के फ्यूचर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कर रहे हैं, आप डिसाइड करते हैं, डिसाइड और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करते हैं कि किस हीरो को लेना है, और जहां तक मैं समझ रहा हूं काफी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बोल रहे हैं कि आप सिंगिंग के लिए बने, फिल्म के लिए नहीं बने, आपकी क्या प्रतिक्रिया? डिसाइड का मतलब ये था कि हम अभी ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हम सिनेमा किसके साथ करेंगे किसके साथ नहीं, सिनेमा हमको करना है कि नहीं करना है ये हम डिसाइड कर रहे हैं, और हमको कब करना है। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बोल रहे हैं कि आप सिंगिंग के लिए बने हैं, वही तो हम भी आपको बता रहे हैं, हम किस चीज के लिए बने हैं वो आगे की फ्यूचर बताएगी, हमको क्या करना है जब हम करने आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्यों हम प्रेम दीवानी किए थे तो तब तो हम सिंगर के लिए ही बने हुए थे, फिर भी वो क्यों 14 वीक और 15 वीक चल गई, वो टाइमिंग था। मैंने आपको क्या बोला, अभी का जो टाइम था कोविड से, जो कोविड से हिला हुआ था सारी चीजें, उसमें मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया, और मैंने एकदम एंजॉय के साथ कर रहा हूँ। लेकिन काफी मित्र और इंडस्ट्रीज के जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, एक बात जान लीजिए, वो सभी हम लोगों के गार्जियन हैं, एक पेरेंट्स हैं, हमेशा उनसे उनके साथ काम करिए या मत करिए, लेकिन उनका सुनना, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ सीखना, ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। और मुझे भी ऐसा होता है कि मैं सिनेमा के ऊपर वर्किंग करूँ या चर्चाएं करूँ, बट मैं सबके साथ टच में रहता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, सबसे कुछ ना कुछ जानता हूँ, समझता हूँ कि हाँ अभी क्या किया जाए, कैसे प्लान किया जाए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पर्सनली अपना करना पड़ता है। लेकिन जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से आप लंदन जा रहे हैं ऐसी फिल्म के थ्रू? हाँ, लंदन जाने की प्लानिंग है और सारी चीजें लगभग लगभग डन है, तो जब प्रोसेस फाइनल हो जाएगा तो देखते हैं फिर चलिए। यहाँ यशी फिल्म 13 पिक्चरें बना रही है और कम से कम 40 गाने बन रहे हैं,
तो आपको गाने के लिए ले जाया जा रहा है या फिल्म के लिए? देखिए ये चीज है, मैंने आपको बोला ना कि ये जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्री में मैं पर्सनली जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हमारे गार्जियन है, बड़े हैं, मेरा आज तक एक आदत रहा, मैं कभी किसी से सवाल नहीं किया, ना ही कुछ बोलता हूँ। और खास करके अभय भैया जो हैं, वो हमारी पूरी भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक स्तंभ कहे जाते हैं। और वो एक ऐसे गार्जियन हैं कि वो बस उनका उनका आदेश आ जाए, वो इतना भी उनसे नहीं बात होता है कि हाँ भैया क्या क्यों कैसे, उनका आदेश आ जाए, ये यासी फिल्म के ऑफिस से ये फोन आ जाए कि हाँ बाबू ये काम है, हाँ ठीक है भैया हो जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, तो अब क्या है कि उन्हीं का जवाब अभी दे रहा हूँ कि वो वहां पहुंचने के बाद यासी फिल्म्स खुद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है राकेश मिश्रा को। बट वो एक ऐसे स्तंभ है, ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका जो भी वो बोलेंगे उसमें ना नहीं है, उसमें हाँ ही है। और इसलिए कि भैया ने हमेशा भोजपुरी और भोजपुरी भाषा के लिए बहुत, आज जहां भी भोजपुरी, जहां से भोजपुरी सिनेमा शुरू हुआ था, आज लंदन तक ले गए, सिंगापुर तक ले गए, मलेशिया तक ले गए, जहां भी ले गए, एक उनका बहुत बड़ा पर्दा के पीछे, वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे एक पर्दा के पीछे भोजपुरी भाषा के लिए जो उन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप हमारे इंडस्ट्री को, हम लोग जो गांव से लोग आए थे, कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हम विदेश में जाएंगे, विदेशों में हमारी चीज़ों को ख्याति मिलेगी। तो इसके लिए यासीन फिल्म और अभय सिन्हा भैया के पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर